हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। तो बैंगन तो सब लोग बना ही लेते हैं, लेकिन हम इसको कुछ टिप्स फॉलो करके बनाएंगे तो बैंगन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने बैंगन को धो लिया है। धो के हमें अच्छे से कपड़े से इनको पोंछ लेना है, पानी इनका सारा हटा देना है। और ये जो इसका डंठल होता है, इसको हमें कट कर देना है। और इस तरह से बीच में से कट लगा के, इसमें हमें दो कट लगाने हैं। कट इतना ही लगाना है कि डंठल चिपका रहे, अलग ना हो। इस तरह से हमें सारे बैंगन को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे बैंगन को काट लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो ये मैंने एक स्पून धनिया पाउडर लिया है, एक स्पून हल्दी पाउडर, आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, एक स्पून नमक, एक स्पून ही हमने जीरा पाउडर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। एक स्पून के करीब हमें इसमें ऑयल मिला देना है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। मसाला तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, हम लोग थोड़ा कम ही मसाला खाते हैं तो इसलिए मैंने कम लिया है। और इस तरह से बैंगन को खोल के हमें इसमें मसाला डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे बैंगन में मसाला भर लिया है। अब एक पैन में मैंने एक स्पून ऑयल लिया है और सारे बैंगन को इस तरह से हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है। इससे बैंगन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एक दो मिनट के लिए उलटते पलटते हमें इन्हें सेक लेना है। एक साइड से सेक गए हैं बैंगन, हमें दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से सेकना है। बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब एक पैन में हमने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसमें एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तो लौंग डाल दी है। तेल हमको बहुत कम ही लेना है क्योंकि हमने पहले ही बैंगन को फ्राई कर लिया है। एक स्पून जीरा लिया है। एक छोटा कटा हुआ प्याज है, फाइन चॉप्ड। कुछ कलियां गार्लिक की ली हैं, कुछ करी पत्ते। सबको अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लेना है।
ये मैंने दो टमाटर का पेस्ट बनाया था, इसको भी ऐड कर देंगे। और अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और हम हल्का हल्का था मसाला और ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है हमें अब, इसलिए मैंने थोड़ा ही मसाला डाला है। सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और पकाएंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैंने ये 2 स्पून के करीब भुना हुआ बेसन डाला है, इससे मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये 1/2 कटोरी के करीब फेंटा हुआ दही है, फ्रेश दही लेना है हमें, खट्टा दही नहीं, इससे हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और 1-2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी एकदम पक के तैयार है। अब हमने इसमें 1 स्पून कसूरी मेथी मिला दी है। कसूरी मेथी से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। ग्रेवी हमारी एकदम से रेडी है। अब हमें ये फ्राई किए हुए बैंगन को इसमें डाल देना है और 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस तरह से कुछ टिप्स फॉलो करते हुए अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। टाइम तो थोड़ा सा लगता है लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमारे बैंगन एकदम से पक के तैयार हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।